एनटीवी निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। एनटीवी निष्पक्ष में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। क्या समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गैंगस्टर अतीक अहमद की कब्र को प्रणाम किया? इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। अखिलेश और उनकी पत्नी डिंपल यादव कब्र को प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल हो रही इस फोटो में अखिलेश और डिंपल को एक छोटे मिट्टी के टीले के आगे खड़ा देखा जा सकता है। अखिलेश टीले को झुककर प्रणाम कर रहे हैं, वहीं उनकी पत्नी फूल चढ़ा रही हैं। इस फोटो को साझा कर यूजर दावा कर रहे हैं कि दोनों ने अतीक अहमद की कब्र पर पहुंचकर सजदा किया। इस फोटो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया यूजर्स अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा, अपने गुरु अतीक अहमद की मजार पर हाजिरी लगा रहे भैया जी। इस कैप्शन के साथ ये तस्वीर फेसबुक और एक्स पर काफी वायरल हो रही है। आपको वो दिन जरूर याद होगा जब यूपी के गैंगस्टर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद को पिछले साल 3 लोगों ने गोलियों से भून दिया था। इस फोटो का गलत इस्तेमाल, आखिर क्या है इस वायरल फोटो का सच, विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव को लेकर किए जा रहे दावों की जांच पड़ताल की गई। सबसे पहले वायरल तस्वीर को रिवर्स सर्च किया गया। इस दौरान सपा सांसद डिंपल यादव द्वारा 14 नवंबर 2022 को किया गया एक पोस्ट मिला। आपको बता दें ये तस्वीर उस वक्त की है जब अखिलेश और डिंपल सपा सुप्रीम रहे मुलायम सिंह यादव के स्मारक स्थल पर पहुंचे थे। इस दौरान दोनों ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी और डिंपल ने फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। डिंपल ने फोटो के कैप्शन में लिखा था, नेताजी को सादर नमन के साथ हम आज का नामांकन उनके सिद्धांतों और मूल्यों को समर्पित कर रहे हैं। नेताजी का आशीर्वाद हम सबके साथ हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। अब यहां साफ हो जाता है कि फोटो के साथ किया जा रहा ये दावा भ्रामक है। मुलायम सिंह यादव के स्मारक की फोटो को अतीक अहमद की कब्र का बताकर शेयर किया जा रहा है। इस मामले में कर्नलगंज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव यादव ने बताया कि जॉर्ज टाउन पुलिस स्टेशन में मनोज श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ ये एफआईआर स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता संदीप यादव ने दर्ज कराई है। नेता संदीप यादव ने आरोप लगाते हुए बताया कि असली तस्वीर सपा प्रमुख अखिलेश और डिंपल यादव की उस वक्त की है जब वो लोग मुलायम सिंह यादव की समाधि पर श्रद्धांजलि देने गए हुए थे, लेकिन आरोपी मनोज श्रीवास्तव ने इस तस्वीर को गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की कब्र पर दिखाने के लिए छेड़छाड़ की। नेता का यह भी कहना है कि आरोपी मनोज आए दिन अखिलेश यादव और डिंपल यादव के खिलाफ तरह तरह की फर्जी बातें और अभद्र टिप्पणियां करता रहता है। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए एनटीवी निष्पक्ष के साथ। नमस्कार। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।